उपमंडल सलूणी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डियूर में वार्षिक पारितोषक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सतीश डोगरा ने की। जिला भाजपा जिला अध्यक्ष डीएस ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानाचार्य ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राथमिक पाठशाला के बच्चे भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है, इसलिए छात्रों को कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करने की सीख दी व नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। इस अवसर पर पंचायत समिति अध्यक्ष खिनेश कुमार और उपाध्यक्ष योगराज गौतम, पूर्व जिला परिषद जैनलाल, जिला कार्यकारिणी सदस्य मदन, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजमल व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हाँ, प्रिंसिपल महोदय ने जो तीन चार पोस्टें यहाँ लेक्चरर की कम है और साथ में यहाँ क्लेरिकल की पोस्ट भी कम है, उसको जल्दी भरवा दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से। जब तो यहाँ से कोई भी डिमांड जाती है तो वो तुरंत उसकी सब्सिडी देते हैं। जितने भी हमारे यहाँ के दूरदार क्षेत्र के ड्यूर के कम्प्लेक्स के अंडर तीन चार स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आते हैं, उनमें अध्यापकों की जो भी कमी थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया है। अब तो हमें ये समस्या होगी कि एक अगर मेडिकल की पोस्ट खाली है, तीन तीन ऑर्डर हो रहे हैं, तो ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि जो हमारे बच्चों का भविष्य है, जो हमारे बच्चे शहरों में जाते थे, यहाँ हमारे टीचर कम होते थे या बाहर पढ़ाई करते थे, अब अपने ही स्कूल में उनको पूरी टीचर भी मिलेंगे, अध्यापक भी मिलेंगे और अपनी पढ़ाई का जो विशेष ध्यान रखेंगे। और साथ में हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य ने या ये जो बिल्डिंग है इसका, इसको डिसमेंटल करने के लिए इसकी कमेटी का गठन होके इसकी इंस्पेक्शन हो गई है, बड़ी जल्दी इसका डिसमेंटल करके और नई बिल्डिंग तैयार की जाएगी। जितना भी इसके लिए पैसा लगेगा वो माननीय जयराम ठाकुर जी की ओर से पैसे की कोई कमी नहीं है। सड़क स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा उन्होंने धन की व्यवस्था रखी है। जहाँ पे हमारे स्कूल अपग्रेड हुए थे, बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ बिल्डिंग का काम शुरू हो गए हैं। जहाँ अध्यापक कम थे वहाँ टीचर पहुँच, स्कूलों में अध्यापक पहुँच गए हैं और पढ़ाई बच्चों की अधूरी ना रहे। इसके साथ हमारे प्रिंसिपल महोदय ने ये जो साइंस ब्लॉक का काम चला हुआ है ये भी ध्यान में लाया कि तीन साल से ये बिल्डिंग अधूरी है, इसके लिए 41 लाख की माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि स्वीकृत कर दी है। पीआर टीवी के लिए सलोनी से उत्तम सूर्यवंशी की रिपोर्ट।